रोल। सांसद खरे या खोटे, मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। संजीव जी, 5 साल में मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या किया आपने? मुजफ्फरनगर में 67 साल में एक नेशनल हाईवे था, 5 साल में 2 नए नेशनल हाईवे बने। बहुत पुरानी डिमांड, 1918 में रेल लाइन बिछी थी, अंग्रेजों ने बिछाई थी जनपद में। 1918 से 2014 तक एक नया पैसा रेलवे में नहीं लगा। दोहरीकरण का काम कंप्लीट हुआ मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर काम जारी है। सब रेलवे स्टेशन नहीं बने हैं। 67 साल में जितने बिजली घर मुजफ्फरनगर में, 5 साल में उससे ज्यादा बिजली घर बने हैं। आप सड़कों की हालत देखिए, ग्रामीण सड़कों की, इतने बड़े स्तर पर 90% सड़कें आज मुजफ्फरनगर की बिल्कुल ठीक है। एक कह सकते हैं सार्वजनिक काम जितने करीब 10,000 करोड़ काम केंद्र सरकार के द्वारा इन 5 वर्ष में मुजफ्फरनगर जनपद में किए गए। इतने काम अगर आजादी के बाद 2014 तक मिलाए तो शायद इतने काम कभी नहीं हुए थे। कोई हो सकता है मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हो सकता है, लेकिन इस जनपद में कोई ये नहीं कह सकता कि विकास कार्यों में कहीं रोक मिली। संजीव बालियान, इससे पहले ये जो 5 साल का टर्म गुजरा, उससे पहले सोचा था कभी कि हाँ राजनीति में आऊंगा, इस तरीके से सांसद बनूंगा, उसके बाद फिर एक बार फिर चुनावी दंगल में कूदूंगा? बचपन से क्या मन था कि राजनीति में आना है, आगे बढ़ना है, या फिर दिशा कुछ बढ़ती गई, पथ कोई और आगे बढ़ता गया, रास्ता कहीं बढ़ता गया और आप एक सांसद के तौर पर चुने गए? सच यही है जो बात में आपने कहा, राजनीति में कुछ नहीं पता लगता कब कौन से आप कहाँ चले जाएं। छात्र राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि सांसद बन सकता हूँ, क्योंकि आम किसान परिवार से हूँ और बड़े लोगों को सांसद बनते देखा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक आम किसान के बेटे को भी सांसद बनाया, तो इतनी बड़ी सोच कभी रही नहीं, बन गए बस। क्या लगता है जब राजनीति में कोई होता है तो कहा जाता है कि बाकी सारी चीजें किनारे, कुर्ता धोती और राजनीति की स्टाइल सब पर हावी हो जाती है। संजीव बालियान के खुद के भी तो कुछ शौक होंगे जिनको जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है। राजनीति ने सब शौक छुटा लिया, 5 साल में कोई छुट्टी नहीं है। आप मेरी सोशल मीडिया पर फेसबुक देख सकते हैं, इन 5 साल में आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये मुझे अपना रहसा, यहाँ राजनीति करना एक एक व्यक्ति को जानना होता है, एक एक के बीच में जाना होता है। हर घटना दुर्घटना पर संजीव बालियान सबके साथ हर सुख दुख की घड़ी में मौजूद रहा, 5 साल कोई छुट्टी मैंने नहीं। नेता शतरंज के खेल खेलते हैं, आपको क्या खेल निकलने मत देना, किसी खेल खेलना कुछ तो अच्छा लगता होगा? देखिए शतरंज कभी आई नहीं, ना राजनीति की शतरंज आई ना वैसी शतरंज, सीधा साधा जनता के बीच खेल के। किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक था, PhD तक पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ने का बड़ा शौक है। अब थोड़ा कम हो चुका है जनता के बीच में, लेकिन सफर में आज भी किताबें पढ़ता हूँ। खेल का भी शौक है, वो भी करीब करीब छूट गया, 5 साल से कोई खेल नहीं खेल पाया, मौका ही नहीं देते लोग। 6 बजे सुबह उठता हूँ तो लोग घर पर आते हैं, उनको छोड़कर जाने से। इस बार मुजफ्फरनगर की जनता से क्या उम्मीद है? जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता अपने बेटे को चुनेगी, जनता अपने सुख दुख के साथी को चुनेगी। जनता को आदत पड़ चुकी है मुजफ्फरनगर के सांसद उनके बीच में रहे, अब वो बाहरी सांसद या वाई सांसद को बर्दाश्त करेंगे। तो ये संजीव बालियान है जो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की जनता एक बार फिर उन पर विश्वास जताएगी और उनको संसद में चुनकर भेजेगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, News 18 मुजफ्फरनगर। कैसे है भाई विधायक? भाई साहब ने आज घोषित नहीं करा।